क्या नहीं हो रहा है। अब गया बोध गया के लिए तो गंगा जल का पानी भी, और विष्णुपद मंदिर और उधर जो सीता कुंड है इसको जोड़ने के लिए लक्ष्मण झूला के बारे में हमने तय कर दिया। इस काम पर जो हम लोग कर रहे हैं, और एक एक चीज हमारे साथियों ने बता दिया, सड़क क्या नहीं हो रहा। अब गया बोध गया के लिए तो गंगा जल का पानी भी, तो एक एक काम जो हम लोग करवा रहे हैं आपका, आप उसमें हम कितनी बात बता दें। आपका जो यहां पर पिंड दान है, गया में तो कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहां से, और देश भर से लोग जो पिंड दान के लिए आते हैं। अब वहां पर जो दिक्कत होती थी लोगों को, अरे भाई हमको पहले कार्यकाल के पहले समय की याद है, हम तो सब जगह देख रहे थे कि कहां किस प्रकार से। एक बार हम जा रहे थे प्लेन में तो एक गुजरात की महिला थी, उन्होंने कहा कि देखिए आपका सब काम अच्छा है लेकिन एक चीज हम आपको बताएं कि ये जो गया में पिंड दान के लिए लोग जाते हैं थोड़ा बड़ा दिक्कत है वहां। अच्छा, उसका एक एक चीज जो आप बताइए पिंड दान में क्या बुरा हाल था, अब किस तरह से हर साल उसकी समीक्षा करते हैं, कौन सा चीज किया जा रहा, और एक एक बात जो विष्णुपद मंदिर की स्थिति परिसर में जो आते हैं श्रद्धालु, हम सब जगह जा करके और जो जो काम कर रहे हैं, और आपको पता है ना कि कितना उसमें काम किया गया है। और विष्णुपद मंदिर और उधर जो सीता कुंड है इसको जोड़ने के लिए लक्ष्मण झूला के बारे में हमने तय कर दिया, और एक बात और तय कर दिया कि भाई जो यहां पर नदी में जो पानी खत्म हो जाता स्वाभि कहा जाता है भाई तो साफ है, लेकिन उसके लिए देख करके हम लोग पूरे तौर पर सीता माता जी का है कि साफ दिया हुआ है कि पानी नीचे चला गया है, ये हो गया है खैर निकालिए तो उसको नीचे आपको पानी मिल जाता है। लेकिन जो लोग आते हैं कितने तरह की दिक्कत होती है, कई तरह का गया शहर का पानी गंदा वहां जा रहा, सबको खत्म करने के लिए कि वो अलग पानी जाएगा उसको शुद्ध किया जाएगा, उसका सिंचाई में इस्तेमाल होगा और नदी में ये पानी नहीं आएगा, और उसमें पानी रहे 2 फीट 3 फीट उसके लिए हम लोगों ने एक्सपर्ट्स लोगों की टीम बना दी है, उस पर काम शुरू हो गया। और दूसरी बात है जो बोध गया हो, गया हो, राजगीर हो, नवादा हो, जो पानी की दिक्कत होती है, क्या हाल होता है गया में पानी का, कितना बाहर से पानी सप्लाई करना पड़ता है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने क्या तय किया जल जीवन हरियाली अभियान में। मैं क्या बताया जल जीवन हरियाली अभियान के सिलसिले में जो गया में मीटिंग थी उसमें नहीं बताया, उसी में हमने बता दिया, ऐलान कर दिया, और एक बात कैबिनेट की मीटिंग करके भी बहुत सारा निर्णय लिया, तो उस पर काम शुरू हो गया। एक एक चीज हम गया में रहते हुए हर चीज को देखें, और यही नहीं उसके अलावे भी रास्ता क्या बनेगा। आप तो जानते हैं ना भाई जो हमारे डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में इंजीनियर हो कोई एक्सपर्ट्स हो हर चीज को बना देता है कुछ अकाता बन गया, लेकिन हम उसको सुनते हैं, एक एक बात जाकर के हम स्पॉट पर देखते हैं और तब बताते हैं इसको इधर से इधर लाओ पानी, तभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा इसको, तो उस तरह से एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। अब काम भी शुरू, हमारे सब साथियों ने बता दिया, तो चाहे बोध हो गया हो गया हो तो ऐतिहासिक जगह है ना, ज्ञान की भूमि है, निर्वाण की भूमि है, तो गया तो एक विशेष महत्व, हम नहीं समझते कि इतना महत्वपूर्ण जगह कोई हो सकता है, दुनिया भर से लोग आते हैं, आप बताइए हर प्रकार के लोग हर धर्म के लोग वहां पर आते हैं, तो ये जो जगह है ये तो हमारे लिए बहुत ही विशेष जगह है ना, तो हम लोग वहां के लिए भी सब काम कर रहे हैं। तो भाई अपने साथियों को हम यही कहेंगे, अब आपको कितनी बात बताएं, एक बार आप सब लोगों को जान लीजिए कि अभी बोधगया में तो मंदिर जा करके हमने किया है, जो हम उद्घाटन करवा करके उस पर काम शुरू कर दिया है, उसके लिए उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और आपको जो हम लोगों ने 7 निश्चय का काम किया है उसका भी असर ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 4291 विद्यार्थी उसका लाभ ले रहे हैं। स्वयं सहायता भत्ता जिसमें कोई आदमी आगे पढ़ नहीं सकता है, उसको रोजगार करना है, रोजगार ढूंढने के लिए उसको मेहनत करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, तो 2 साल तक 1000 रुपया महीना देते हैं, तो गया जिला में 18,466 युवा इसका लाभ ले रहे हैं। कुशल युवा कार्यक्रम, अगर जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा उसको काम नहीं मिलेगा,
तो उसके लिए प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने बनाया, कई प्रशिक्षण केंद्र बनाया। और आपके यहां न सिर्फ कंप्यूटर पर ज्ञान बल्कि संवाद कौशल, व्यवहार कौशल, ये सब सिखाया जा रहा है। और उसमें आपके यहां कुशल युवा कार्यक्रम में 35,122 युवाओं का प्रशिक्षण हुआ। और बाकी सब तो हमारे साथ ही बता दिए, जितना इंस्टीट्यूशन के लिए और सब तरह के लिए जो काम किया गया सब कुछ किया गया। अब जो कुछ भी हो, IIM की स्थापना तो हो ही गई है, वहां हर तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन गया है, भारतीय पर्यटन और पर्यटक प्रबंधन संस्थान बोधगया कैंप की भी स्थापना हुई है, और महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र जिसका हमने शुरुआत किया, देखिएगा वो बन रहा है, और वो बन करके तैयार होगा तो बिहार का सर्वश्रेष्ठ वो केंद्र बनने वाला है, सांस्कृतिक केंद्र। उसका नामकरण हमने कर दिया महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र। उसमें मीटिंग वगैरह का 2000 का एक जगह, 500 का एक जगह। इसके अलावे वहां पर एक हम लोग समझ लीजिए कि और भी बिल्डिंग बनवा रहे जिसमें 1000 कमरे होंगे, 100 बेड का राज्य अतिथि गृह। तो एक एक काम की बाहर से आने वाले लोगों को दिक्कत नहीं हो, तो हर तरह से तो काम कर ही रहे हम लोग। और किसी भी क्षेत्र का कोई काम, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अब तो हम गया गए हुए थे ना जी, जो जेई होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस, आप पिछले साल कितना हुआ था लू का असर, हम सब गए। और गया में जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसके विस्तार के लिए भी हम लोगों ने निर्णय दे दिया, और कई कार्यक्रम को दे दिया। तो एक एक चीज में हम लोग काम करते हैं। और आपको जो भी काम हुआ है, अब कुछ लोग तो कुछ बोलता रहता है, जान लीजिए एक बात हम कह के अपनी बात खत्म करेंगे, सबको मालूम है काम हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा खराब लगता है। हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बड़े नापसंद हैं, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा कौन आदमी निकल गया भाई जो कुछ गड़बड़ करवे नहीं करता है, तो इसलिए उसको किनारा करो। और सबसे बड़ी बात क्या हो गई दुख का कारण कुछ लोगों को, हम शराबबंदी लागू कर दिए महिलाओं की मांग पर, तो बहुत लोग जो इस धंधा में था, अब उस धंधे से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ कुछ पढ़े लिखे, चंद पढ़े लिखे लोग, उनको लगता है बड़ा खराब काम किया है, ये काहे ऐसा काम कर दिया, क्या क्या नहीं लिखता मेरे बारे में, तरह तरह का आर्टिकल लिखता। अब जरा जानते हैं क्या दिमाग है, सबका दिमाग ठीक हो सकता है? आप बताइए, राष्ट्रपिता बापू ने कहा शराबबंदी होना चाहिए, जो भारत का संविधान बना है अंबेडकर साहब के नेतृत्व में, उसमें राज्यों की जिम्मेवारी, और करोगे नहीं? क्या हालत होता था भाई साधारण परिवार के लोगों में, जो शराब का बढ़ता चला जा रहा था, गाढ़ी कमाई का पैसा शराब में बर्बाद कर रहे थे। और महिलाओं की मांग पर हम लोगों ने किया, उसका जगह जगह घूम करके हम लोगों ने पूछा कैसा आप लग रहा है महिलाओं से, तो एक जगह तो महिला ने कहा, जिसकी चर्चा हम सब जगह कर देते हैं, एक महिला ने पब्लिक मीटिंग में कहा कि भाई मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे, देखने में क्रूर लगते थे, और अब जब शराबबंदी हो गया तो शाम में लौट कर आते हैं, बाजार से तरकारी लेकर आते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और अब देखने में अच्छे लगते हैं। यह है परिवर्तन। लेकिन कुछ लोगों को पता चलेगा क्या हालत थी समवा के बाद, दारू पी करके या बराते उरात का जरा याद करिए, कितना देर लगता था। अभी सब चीज होता है जी, लेकिन हां चंद लोग तो है, थोड़ा बगले में चला जाकर के, बगले में झारखंड, उधर कुछ जाकर के ले लिया, या कई लोग अपना अंदर छिपा तुपा करके रखा, कई लोग पकड़ाता भी है। तो इसके चलते जान लीजिए जो हम लोग काम करते हैं, और आप अच्छी तरह जान लीजिए, देख लीजिएगा, जो पहला 5 साल में काम किया उससे भी ज्यादा दूसरा 5 साल में किया, उससे भी ज्यादा अभी 4.25 साल में, 4.5 साल में कर दिया। लेकिन लोग कहेगा क्या, हाँ पहला था तो ठीक किया था, इसके बाद कुछ नहीं किया है। आप जरा बताइए, हम तो कहेंगे कि एक एक बात कहिए, 90% समय लगाइए जो काम हुआ है इसकी चर्चा करने में। आई जो अनाप शनाप बोलता रहता है, मात्र 10% का समय लगाइएगा उन लोगों को जवाब देने का, जवाब मत दीजिएगा, बिना मतलब का समय नहीं बर्बाद करिएगा। हां लेकिन बहुत कोई जरूरी चीज है तो उसमें अपना 10% समय ही लगाइएगा, 90% आप देख लीजिए, लोगों के बीच बात करिए, और लोगों को अच्छी तरह जान लीजिए। लोगों में चेतना है, जो हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान में आह्वान किया,
19 जनवरी को मानव श्रृंखला का, आप बताइए दुनिया का में कोई कहीं कोई कर सका है? इस बिहार में बोलिए 19 जनवरी को 5,16,00,000 से भी ज्यादा लोग उसमें शामिल हुए, पुरुष स्त्री युवा युवती बुजुर्ग लोग, कोई कल्पना कर सकता था? हिंदू हो मुस्लिम हो किसी भी जात बिरादरी के हो, हर लोग उसमें जो शामिल हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, जो इतना बड़ा लोगों ने दिखाया अपने अवेयरनेस का पर्यावरण के प्रति। हम तो कहते हैं जल और हरियाली है तभी जीवन है, इसलिए तो नाम दिया है जल जीवन हरियाली, उसको सुरक्षित रखने के लिए। और काम 24,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा का कर रहे हैं, और उसी जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत गंगा नदी का पानी लेकर के हम लोग गया बोध गया तक पहुंचाएंगे। तो एक एक काम हो रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में एक बात जान लीजिए कि लोगों का कितना बड़ा जन समर्थन रहता है। कोई मामूली बात है, हमने आह्वान किया 5,16,00,000 से ज्यादा लोग, 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी, इतना बड़ा बड़ा बात होता है, इसको कहीं बाहर कोई चलाता है? जी नहीं चलाता है, हमसे बहुत बहुत कुछ चंद लोगों को बड़ी चीड़ है हमसे, तो ये सब चक्कर में मत रहिए, हमको कोई उसकी चिंता नहीं। हम केंद्र में भी थे तो उस समय में बड़ा चिढ़ता था लोग, कुछ लोगों को चिढ़ लगता था हमसे और अब भी लगता है, तो ये सब की कोई चिंता नहीं करनी। हम भाई साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, कोई अमीर उमराव है नहीं, साधारण आदमी है। हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, न हमको कोई माल बनाने की रुचि है, हमको तो बिहार के विकास में रुचि है और हम लोगों की सेवा को ही धर्म समझते हैं। तो आप लोगों से कहेंगे कि एक तो कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए वो एक जागृति और लोगों को सचेत करना, दूसरा इतना काम हुआ है इसके बारे में लोगों से चर्चा करना, और तीसरा और वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, समाज में प्रेम भाईचारे और सद्भावना का वातावरण कायम रखना। चंद लोग हैं जो झगड़ा कराते, जात पात का झगड़ा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, कई प्रकार की कोशिश करते हैं चंद लोग इधर से उधर। हम विनम्र प्रार्थना करेंगे, हम लोगों का अब तक कर्तव्य है, हम लोग सब में प्रेम का भाव लाने की कोशिश करते हैं, झगड़ा होता भी है तो उस झगड़े को शांत करने की कोशिश करते हैं। और आप सब लोगों से कितना बार कहां क्या हुआ हुआ, और अब क्या स्थिति है जी, पहले वाली स्थिति है नक्सलिज्म का, घटते जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो एक एक चीज हम लोग काम कर रहे हैं और ये प्रेम का भाईचारे का सद्भावना का माहौल कायम करने में अपना वक्त जरूर लगाइएगा। तो आप सब लोग जो शामिल हुए मुझे बड़ी खुशी है, और अब तो अभी एक जिला और बचा है नवादा, उनके लोग अब इंतजार कर रहे होंगे, चूंकि उनका 5:15 था, अब 5:30 से ऊपर हो गया है, 1.5 घंटा से भी ज्यादा समय लग गया। आप सब लोग इतना दिन तक हम लोगों के सब की बात सुनते रहे, सब लोगों की बात पर ध्यान दीजिए, और जो भी काम है उसके बारे में जो आपको और जानकारी मिल जाएगी उन सब की चर्चा करिए लोगों के सामने, और सब में प्रेम भाईचारे और सद्भावना का माहौल कायम करिए। और ये जो बीमारी है कोरोना की, इससे बचने के लिए, डरने की जरूरत नहीं, बचने के लिए जो हमने सुझाव दिया है उस पर लोगों में अवेयरनेस पैदा करिएगा, हम यही आप सबसे निवेदन कर रहे हैं। और आप जो हमारे जितने साथी हैं, सभी पार्टी के सक्रिय साथी, जिला से लेकर के प्रखंड पंचायत और बूथ तक के सभी साथी जो यहाँ पर मौजूद हुए, सब नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए, मैं इसके लिए आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।